राजधानी भोपाल के कार्डियो अस्पताल में दोबारा मरीजों को एडमिट करने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरुवार से एडमिट होने वाले मरीजों के लिए अनुमति जारी हो गई है। यहां अब एक साथ 300 मरीज एडमिट हो सकेंगे। हालांकि यहां सिर्फ गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों का ही इलाज होगा। अस्पताल की ओपीडी काफी समय पहले ही शुरू कर दी गई थी। बता दें कि अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, एसएनसीयू की व्यवस्थाओं को लेकर तीसरी कल्चर रिपोर्ट नहीं आने के कारण मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा था। बुधवार को कल्चर रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद एडमिट करने का फैसला लिया गया। करीब 8 महीने से बंद राजधानी भोपाल के कार्डियो अस्पताल को एक बार फिर से मरीजों के लिए शुरू कर दिया गया है। पूरी तरीके से जच्चा बच्चा अस्पताल कार्डियो अस्पताल को बनाया गया है। इसे पहले कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया था, पर मध्य प्रदेश में कोरोना का खतरा खत्म होने के बाद इसे एक बार फिर से जच्चा बच्चा अस्पताल के तौर पर विकसित करके गुरुवार से यहाँ पर मरीजों की भर्ती जो है शुरू कर दी गई है। फिलहाल यहाँ पर सिर्फ गर्भवती महिलाओं और बच्चों को ही इलाज दिया जाएगा। कई तरह की हाई फैसिलिटीज से युक्त यह अस्पताल खोलने का मरीज लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। करीब 22 डॉक्टर्स यहां पर मरीजों के इलाज के लिए रहेंगे, ताकि राजधानी, न केवल राजधानी भोपाल बल्कि आसपास के दूसरे शहरों और छोटे गांव से आने वाले गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को भी ठीक तरीके से इलाज मिल सके। कैमरा पर्सन विनीत के साथ नीलम गुर्वे, IBC 24 भोपाल।